गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग दैट इज ए फोर्थ चैप्टर जो है साइंस वन का मेजरमेंट ऑफ मैटर उससे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये चैप्टर में ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को अच्छे से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपको दो चीज के लिए। एक इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन एंड दूसरा इसका एटॉमिक मास, दोनों आपको इसके थ्रू याद हो गए। तो फर्स्ट 10 एलिमेंट्स याद करने का एक छोटा सा दैट इज निमोनिक है जो आपको याद करना है। दैट इज हाई हेलो बी लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। तो ये आपको कैसे हेल्प करेगा? हाई से आएगा एच दैट इज हाइड्रोजन, हेलो से आएगा एच ई दैट इज हीलियम, लिसन से आएगा एल आई लिथियम, पी ई से आएगा बेरिलियम, बी बी से आएगा बोरॉन, सी कार्बन, न्यूज से आएगा एन नाइट्रोजन, ओ से आएगा ऑक्सीजन, फ्राइडे से आएगा एफ दैट इज फ्लोरीन, एंड नाइट से आएगा एन ई नियॉन। एक और बार, हाय हेलो लिसन बी बी सी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। हाई से आएगा एच हाइड्रोजन, हेलो से आएगा एच ई हीलियम, एल आई से आएगा सॉरी लिसन से आएगा एल आई लिथियम, बी बी सी बेरिलियम, बोरॉन कार्बन ऑन फ्राइडे नाइट। तो यहाँ पे ऑन ओ से आएगा ऑक्सीजन, फ्राइडे एफ से आएगा फ्लोरीन, न्यूज एन से आएगा दैट इज नियॉन। एक और बार, हाय हेलो लिसन बी बी सी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। तो हाय एच से आएगा हाइड्रोजन, हेलो एच ई से आएगा हीलियम, लिसन एल आई से आएगा लिथियम, बी बेरिलियम, बी बोरॉन, सी कार्बन, न्यूज से एन नाइट्रोजन, न्यूज ऑन ओ से आएगा ऑक्सीजन, फ्राइडे एफ से आएगा फ्लोरीन, नाइट एन से आएगा नियॉन। फिर नेक्स्ट 10, नेक्स्ट 10 कैसे याद रखना है? ना मांगो अल्लाह से पैसा सोना चांदी और काजू कतली। वापस एक और बार, ना मांगो अल्लाह से पैसा सोना चांदी और काजू कतली। ओके, तो Na, Na इज सोडियम का सिंबल, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे M और क्या रहे? G, मैग्नीशियम। Al, अल्लाह से आएगा एल्यूमिनियम। S, S से आएगा दैट इज सिलिकॉन। यहाँ पे P, पी से आएगा दैट इज क्या? फॉस्फरस। एस एस से आएगा दैट इज क्या? सल्फर। सी क्लोरीन, सी एल आएगा यहाँ पे। फिर इधर आर्गन, ए आर के, और लास्ट में क्या आएगा? सी। एक और बार, ना ना से तो एन ए सोडियम, मांगो एम जी मैग्नीशियम, अल्लाह ए एल एल्यूमिनियम, से एस आई सिलिकॉन, पैसा पी क्या आएगा दैट इज फॉस्फोरस, सोना एस सल्फर, चांदी सी सी एल क्लोरीन, फिर और ए आर आर्गन, काजू के पोटाशियम, कतली सी ए कैल्शियम। आई होप ये पार्ट अच्छे से आपको क्लियर है कैसे करना है करके, तो इसको अच्छे से मेमोराइज करके रख देना। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं साइड में करता हूँ, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भरने का तरीका क्या है? पहले इसमें मैक्सिमम लोग दो भर सकते, फिर इसके सेकंड में मैक्सिमम लोग एट भर सकते, फिर वापस सेकंड में मैक्सिमम, थर्ड में कितना मैक्सिमम भर सकते? एट। ओके, तो ये कैसे करना है? तो से पहले क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कितना रहेगा? वन। हीलियम में कितना है? टू, तो टू रहेगा तो ये भर गया। लिथियम का कितना है? थ्री, तो ये कितना आएगा? टू कॉमा क्या आएगा? वन। बेरिलियम में टू कॉमा यहाँ पे क्या होगा? टू। बोरॉन टू कॉमा यहाँ पे क्या आएगा? थ्री। कार्बन टू कॉमा यहाँ पे क्या होगा? फोर। नाइट्रोजन टू कॉमा यहाँ पे क्या आएगा? फाइव। ऑक्सीजन टू कॉमा यहाँ पे क्या होगा? सिक्स। फ्लोरीन टू कॉमा यहाँ तक क्या आ गया? सेवन। नियॉन टू कॉमा क्या होगा? एट। अब जो नेक्स्ट बनेगा वो थर्ड शेल बनेगा, तो इलेवन टू कॉमा एट कॉमा वन। मैग्नीशियम टू कॉमा एट कॉमा टू। एल्यूमिनियम टू कॉमा एट कॉमा थ्री। सिलिकॉन टू कॉमा एट कॉमा फोर।
फॉस्फरस 2.8.5, सल्फर 2.8, यहाँ पे आएगा 6, क्लोरीन 2.8, यहाँ पे आएगा 7, आर्गन 2.8.8, फिर आर्गन के बाद वापस कंप्लीट होता है, अब फोर्थ शेल भरेगा, तो यहाँ पे आएगा 2.8.8.1, वापस 2.8.8.2। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सबका। अब नेक्स्ट है एटॉमिक मास कैसे याद रखना है, तो आपको एक सर्टेन तरीका बताता हूं, वो आप ध्यान में रखना, और जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको मार्क करके दूंगा। जैसे पहला दैट इज क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज ये 3। अब ये 3 के लिए आपको याद कैसे करना है, जस्ट आपको क्या करना है, इनका जो एटॉमिक नंबर है उसको आपको बस क्या करना है, इनटू क्या करना है, 2। तो कार्बन का जो एटॉमिक मास रहेगा ये हो जाएगा 12, नाइट्रोजन के लिए कितना हो जाएगा 14, ऑक्सीजन के लिए ये कितना होगा दैट इज 16। अब बाकी का कैसे याद रखोगे, तो ध्यान सुनना, अभी इसके आगे जब भी आपको ऑड नंबर में कोई दिखेगा उसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करके प्लस 1 करोगे। जब भी आपको कोई इवन नंबर में दिखेगा आप बस और बस क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। तो दैट इज फ्लोरीन ऑड नंबर है, मल्टीप्लाई बाय 2 करके प्लस 1 करना है, तो ये होगा 19। नियॉन इवन नंबर है तो जस्ट मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, 2। सोडियम कितना है, दैट इज 11, ऑड नंबर है, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, तो ये कितना आएगा, 23। ये एक इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम 12 है, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 2, दैट इज 24। एल्यूमिनियम ऑड है, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, तो ये क्या होगा, 27। फिर इसके बाद ये तो सीधा मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, 2। फॉस्फोरस इसको मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 करना है। सल्फर मल्टीप्लाई बाय 2 ये कितना आएगा, दैट इज 32। क्लोरीन सिर्फ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन के केस में मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस क्या करना है, 1.5 करना है, बस ये याद रखना, तो ये कितना बन जाएगा, 35.5, ये बस एक याद रखना पड़ेगा। फिर दूसरा आर्गन, आर्गन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये कितना आएगा, मल्टीप्लाई बाय 2। पोटेशियम के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 करके क्या करना पड़ेगा, प्लस 1, तो कितना आएगा, 38 प्लस 1, ये हो जाएगा 39। कैल्शियम के लिए बस क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 40। तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो ये जो पार्ट है ये यहाँ तक क्या इंपॉर्टेंट है, जो भी स्टार मार्क किया उसको जरा अच्छे से देख के याद करने का ट्राई करना, या नहीं तो ये यूजुअली एग्जाम्स में वैल्यू दिया रहता है आपको, तो जस्ट आपके ऊपर है, जस्ट याद करोगे तो इट विल बी वेल एंड गुड सेफ साइड में रहने के लिए। ओके, अब यहाँ पे हम लोग को मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करने बोले, तो ये क्वाइट ईजी है, तो जस्ट ध्यान देना। सबसे पहले किसके बारे में बात करना है, NaCl के बारे में। यहाँ पे कौन है, एक तो सोडियम है, दूसरा यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है। तो इधर यहाँ पे आएगा 1 एटम ऑफ क्या आएगा, दैट इज सोडियम, प्लस इधर आएगा 1 एटम ऑफ क्या है, क्लोरीन है। तो सोडियम का जो एक एटम का वजन रहेगा वो आएगा 23, क्लोरीन का एक एटम का वजन कितना आएगा, 35. यहाँ पे कितना होगा, 5। ओके, इन दोनों को ऐड करना है, तो यहाँ पे होगा 23.0 प्लस यहाँ पे कितना आएगा, 35.5, हो जाएगा 58, और यहाँ पे होगा 5, तो ये यहाँ पे बनेगा 58.5 क्या होगा, डाल्टन। फिर आते हैं सेकेंड, सेकेंड यहाँ पे बोला गया MgCl क्या दिया गया, 2। ओके, इसका वजन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले कितना एटम में मैग्नीशियम का वो पहले लिखना है, क्लियर दिख रहा है, एक ही एटम है, प्लस यहाँ पे कितना एटम से क्लोरीन का दिख रहा है, 2 एटम में किसका, क्लोरीन का। मैग्नीशियम का एक एटम का वजन कितना आएगा, 24, क्लोरीन का जो एक एटम का वजन रहेगा ये आएगा 35. क्या होगा, 5, तो ये मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 24, इसको मल्टीप्लाई किया तो कैसे करेंगे, सीधा आप 355 इंटू क्या करो, 2, ये मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा, 700 एंड क्या होगा, 10, इधर लिखा आपने,
यहाँ पे डेसिमल क्या कितना है, एक डिजिट है, तो यहाँ पे भी कितना आएगा, एक डिजिट डालना है डेसिमल के बाद, दोनों को ऐड करने पे ये होगा 95 डाल्टन। फिर आते थर्ड वन, इधर 58.5। नेक्स्ट दैट इज थर्ड वन, क्या दिया गया, के एन और ओ थ्री, तो इधर कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन है, जैसे हमने पीरियोडिक टेबल में देखा एक जो है के दिया है, के मतलब क्या रहेगा पोटेशियम, तो एक एटम ऑफ क्या दैट इज पोटेशियम। फिर नेक्स्ट यहां पे नाइट्रोजन है, इधर आएगा एक एटम ऑफ क्या दैट इज नाइट्रोजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने, तीन एटम्स है, तो थ्री एटम्स ऑफ यहाँ पे क्या दैट इज ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 39 क्या होगा डाल्टन, इधर यहाँ पे कितना होगा 14 डाल्टन, ऑक्सीजन के कितने दैट इज तीन, तो 16 डाल्टन। फिर यहाँ पे आएगा 39, 1 इंटू 14 कितना होगा यहाँ पे 14, 3 इंटू 16 ये कितना आएगा यहाँ पे 48। ओके, अब ये सबको क्या करना है, इधर ऐड करना, तो ये दोनों को पहले ऐड किया तो यहाँ पे आएगा 53 डाल्टन प्लस यहाँ पे कितना आएगा 48 डाल्टन, ऐड करने पे यार 101। फिर नेक्स्ट फोर्थ वन, यहाँ पे दिया H2O2, क्लियर दिख रहा है दो ही कॉन्स्टिट्यूएंट है हाइड्रोजन और कौन है ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना एटम्स है, टू एटम्स ऑफ क्या यहाँ पे हाइड्रोजन, एक और यहाँ पे टू एटम्स ऑफ क्या दैट इज ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का जो वन एटम रहेगा उसका वजन कितना रहेगा 1 डाल्टन, ऑक्सीजन का वन एटम इसका वजन कितना है 16 डाल्टन, तो 2 1 जा कितना होगा 2, 2 इंटू 16 कितना होगा 32, ऐड करने पे ये हो रहा है 34 डाल्टन। फिर इसके बाद आते फिफ्थ वाले पे, दिया क्या गया AlCl3, सिंबल से दिख रहा है यहाँ पे दो ही कॉन्स्टिट्यूएंट है एल्यूमिनियम और कौन है दैट इज क्लोरीन, तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है वन एटम है ऑफ क्या एल्यूमिनियम और इधर थ्री एटम्स ऑफ क्या दैट इज क्लोरीन। ओके, एक एटम ऑफ एल्यूमिनियम इसका वजन कितना आएगा 27 डाल्टन, तीन एटम ऑफ क्लोरीन ये कितना आएगा 35.5 क्या होगा डाल्टन। अब इसको कैसे करेंगे, 355 इंटू क्या करो 3, इधर आएगा 15 1 16 1, ये कितना आ रहा है 101065 आ रहा है, तो इधर आएगा दैट इज 27 डाल्टन प्लस इधर आएगा 1065 डाल्टन, तो क्या करना है दैट इज डेसिमल पॉइंट डालना है 106.5, इसको ऐड करना है 27, कैसे लिखेंगे 27 को, 27 को लिखेंगे 27 पॉइंट क्या लिखेंगे 0, तो ये आएगा 5, 6 प्लस 7 कितना होगा 13, 1 ये कितना आएगा यहाँ पे 3, ये आ गया 1, ऐड करने पे ये हो रहा है 133.5 और इधर कितना आएगा दैट इज डाल्टन। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला पार्ट है दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब इस केस में क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे क्या है, वन एटम है, किसका वन एटम है कैल्शियम का। ओके, ऑक्सीजन का इधर कितना है 1 है, लेकिन बाहर ये 2 क्या कर रहे हैं, 1 को मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे होगा 2 एटम ऑफ क्या होगा ऑक्सीजन। सेम चीज हाइड्रोजन भी यहाँ पे कितना है 1 है, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 2 से, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे 2 एटम ऑफ क्या होगा दैट इज हाइड्रोजन। एक एटम ऑफ कैल्शियम का वजन है 40 डाल्टन, दो एटम ऑफ ऑक्सीजन का वजन है 16 डाल्टन, दो एटम ऑफ हाइड्रोजन का वजन है 1 डाल्टन, तो ये यहाँ पे बनेगा 40 डाल्टन प्लस 32 डाल्टन प्लस यहाँ पे 2 1 जा कितना आएगा 2 डाल्टन, ये सबको ऐड करने पे यहाँ पे इसका वजन कितना हो रहा है 74 क्या होगा डाल्टन। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, क्लियर दिख रहा है दो ही कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसके लिए आपको सिंबल अच्छे से बाहर रहना चाहिए, मैग्नीशियम एंड क्या ऑक्सीजन, तो यहाँ पे वन एटम ऑफ क्या मैग्नीशियम, वन एटम ऑफ यहाँ पे क्या रहेगा ऑक्सीजन। मैग्नीशियम का जो एक एटम है इसका वजन कितना है 24 डाल्टन
ऑक्सीजन का एक एटम यहाँ पे कितना है, 16 डाल्टन, कितना आएगा 24 प्लस यहाँ पे कितना होगा 16 ऐड करके ये कितना आ रहा है, दैट इज 40 क्या हो रहा है डाल्टन। नेक्स्ट है H2SO4, तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है हाइड्रोजन सल्फर और कौन है ऑक्सीजन, कितना एटम से दैट इज 2 एटम ऑफ क्या हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ क्या दैट इज सल्फर, 4 एटम ऑफ क्या दैट इज ऑक्सीजन। तो यहाँ पे 2 इंटू हाइड्रोजन का वजन कितना है 1, सल्फर सल्फर का वजन कितना है 32, ऑक्सीजन का वजन कितना है यहाँ पे 16, इधर 2 वन जा कितना आएगा 2, ये कितना आएगा दैट इज 64, ये यहाँ पे कितना आएगा दैट इज अगेन 4 इंटू 16 ये हो जाएगा 64 सल्फर, सॉरी इधर सल्फर एक ही है तो इधर से करेक्शन कर लेना, या कि सल्फर 1 है तो ये यहाँ पे कितना बनेगा 32 ऐड करने पे, ऐड करने पे ये हो जाएगा दैट इज 34 डाल्टन प्लस यहाँ पे 64 डाल्टन, ऐड करने पे ये आ जाएगा वापस 98 क्या होगा डाल्टन। फिर आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पे HNO3 बोला है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ओके तो यहाँ पे 1 एटम ऑफ क्या है हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ क्या दैट इज नाइट्रोजन, 3 एटम ऑफ क्या रहेगा दैट इज ऑक्सीजन, एक एटम ऑफ हाइड्रोजन का वजन 1 डाल्टन, एक एटम ऑफ नाइट्रोजन का वजन 14 डाल्टन, 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन का वजन 16 डाल्टन, 1 वन जा 1 डाल्टन, 1 इंटू 14 14 डाल्टन, 3 इंटू 16 48 डाल्टन, ये ऐड होके कितना होगा 15 डाल्टन प्लस 48 डाल्टन, टोटल ऐड करने पे यहाँ पे हो रहा है 63 डाल्टन। नेक्स्ट इसके बाद है NaOH, क्लियर दिख रहा है यहाँ पे पहला जो है एक कितना है दैट इज सोडियम का क्या है एटम, दूसरा कौन है यहाँ पे ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 1 क्या दैट इज ऑक्सीजन का क्या होगा एटम, एंड प्लस यहाँ पे क्या रहेगा 1 इंटू किसका एटम है दैट इज हाइड्रोजन का, तो एक सोडियम का वजन कितना होगा दैट इज 23 डाल्टन, एक ऑक्सीजन का वजन यहाँ पे कितना आएगा 16 डाल्टन, एक हाइड्रोजन का वजन यहाँ पे 1 डाल्टन, तो ये हो जाएगा 23 डाल्टन प्लस 16 डाल्टन प्लस 1 डाल्टन, तो ये होगा 39 डाल्टन प्लस 1 डाल्टन, ऐड करके कितना हो रहा है दैट इज 40 क्या हो रहा है डाल्टन। आई होप यहां तक आपको क्लियर है कैसे करना है करके। अब आते इसके नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ क्या बोला गया मोल्स। ओके अब आते दैट इज मोल कंसेप्ट पे। ओके अब ये मोल कंसेप्ट यूज क्यों किया जाता है, इसके पहले हम लोग दो एग्जांपल देखते, हम लोग दैट इज डजन यूज करते क्या करने के लिए, 12 का क्वांटिटी बताने के लिए। जैसे अगर आपको बोला गया, कोई बोला 1 dozen eggs, आप क्या करते हो नेक्स्ट स्टेप में, आप इसको लिखते हो 1 into 12। वैसे किसने आपको बोला 7 dozen eggs आपने खरीदा, तो आप कैसे करोगे 7 लिखोगे और 1 dozen में क्या लिखोगे 12, ऐसा कितना होगा दैट इज eggs। सिमिलरली दूसरा एक क्वांटिटी है दैट इज क्या, सेंचुरी। सेंचुरी किसके लिए यूज किया जाता है, दैट इज रन्स को गिनने के लिए, तो किसने आपको बोला ये स्कोर 12 सेंचुरीज, तो आप क्या करोगे ये जो 12 है इसको मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या करोगे 100। सिमिलरली किसने डबल सेंचुरी स्कोर किया बोला गया, तो आप यहाँ पे इसको कैसे लिखोगे 2 इंटू इधर कितना होगा 100 क्या होगा रन्स। ओके तो ये तो ऑफकोर्स ऐसे था, अब मोल किसके लिए यूज किया जाता है, तो मोल यूज किया जाता है दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का मेजरमेंट के लिए, क्योंकि उनका क्वांटिटी बहुत ज्यादा रहता है, इसीलिए जो वैल्यू है इसको भी हम लोग क्या लेते हैं बहुत ज्यादा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6.022
इनटू यहाँ पे कितना होगा 10^23। क्या क्या हो सकता है? मॉलिक्यूल्स, एटम्स। अभी आपके सिलेबस के लिए क्या रहेगा? मॉलिक्यूल्स और एटम्स। जैसे जैसे आप आगे के स्टैंडर्ड्स में जाओगे, इधर आएगा इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब भी आएगा, ठीक है? तो जस्ट ध्यान रखना। अब ये एक्चुअल में ये वैल्यू कितना बड़ा है, इसका अंदाज लगाने के लिए यहाँ पे समझाता हूँ। 6 फॉलोड बाय यहाँ पे बहुत सारे जीरोज आएंगे, ऐसे टोटल कितने जीरोज रहने वाले, तो ऐसे टोटल यहाँ पे आएगा 23 क्या होगा जीरोस, ठीक है? तो ये इतना बड़ा नंबर है क्योंकि ऑफकोर्स कोई भी एक छोटा सा एटम तो बहुत छोटा पार्टिकल है, अगर आपने 1 ग्राम भी लिया तो इसमें इससे भी ज्यादा क्या रहेगा, क्वांटिटी हो सकता है। तो ये सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना। अब मोल को कैलकुलेट कैसे करते हैं, जैसे कि अगर आपको बोला फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? तो स्टेप वन क्या, इसका फॉर्मूला पहले वो समझते। आप पहले क्या निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालो, हमेशा पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो, क्योंकि डायरेक्टली आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं निकाल सकते, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना। ये क्या आएगा, दैट इज वेट इन क्या होगा ग्राम्स, अपॉन नीचे क्या होने वाला, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट। ओके, अब ये क्वांटिटी में आप चेक करो किस किस चीजों का वैल्यू दिया है। अब 90% केसेस में इसका आपको क्या दिया रहेगा, वैल्यू दिया रहेगा ग्राम्स में, ठीक है? ये मोस्टली क्या रहता है, गिवन रहता है सीधा सीधा, इसको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ओके, ये आपको क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे हमने पहले के जो अभी सम्स किए थे, वैसे आप क्या करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे, किसको, मॉलिक्यूलर वेट को। अब इसके बाद आते हैं स्टेप नंबर टू। स्टेप नंबर टू में आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेट्स से इसका आंसर कुछ तो आया यहाँ पे, और इधर साइड में आप क्या लिखोगे, मोल्स। फिर ये जो आंसर है इसका मल्टीप्लाई किससे करोगे, 6.022 इंटू 10^23 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बस ये स्टेप्स है। अब आप कैसे इसको सॉल्व करते, ये हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने का क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन, क्या बोला गया, 36 ग्राम्स ऑफ क्या बोला गया, वाटर। अब आते सबसे फर्स्ट हमारे स्टेप पे, तो सबसे पहला स्टेप हमारा यहाँ पे क्या रहेगा कि हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो ये क्या रहेगा, दैट इज वेट इन क्या आने वाला है, ग्राम्स, अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट। ओके, तो वेट इन ग्राम सीधा सीधा क्वेश्चन में दिया है कितना है, दैट इज 36 ग्राम्स है। ओके, मॉलिक्यूलर वेट के लिए इधर बोला क्या गया, वाटर, वाटर का क्या करना है, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, H2O। क्लियरली दिख रहा है दो ही कॉन्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे, हाइड्रोजन एंड क्या ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम ऑफ क्या, दैट इज H, यहाँ पे रहेगा 1 एटम ऑफ क्या होगा, दैट इज ऑक्सीजन। एक एटम ऑफ हाइड्रोजन का वजन कितना है 1, एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का वजन कितना है 16, यहाँ पे आएगा 2+ कितना आएगा 16, तो ये ऐड होके कितना होगा 18 क्या होगा, डाल्टन। तो नीचे कितना आएगा, दैट इज 18 क्या होगा यहाँ पे, डाल्टन। अब 18 कितना सर आएगा, 2 सा कितना आएगा, दैट इज 36। तो इधर जो आंसर आएगा कितना आ रहा है, 2 मोल्स आ रहा है। अब आते हैं सेकेंड स्टेप पे, सेकेंड स्टेप इज नंबर ऑफ क्या ढूंढने बोला है, मॉलिक्यूल्स। तो पहले हम लोग क्वांटिटी लिखेंगे कितना था, 2 मोल्स, फिर मोल के बदले हमें यहाँ पे लिखना है 6.022 इंटू 10^23, आगे क्या रहेगा, मॉलिक्यूल्स, किसका मॉलिक्यूल्स रहेगा, ऑफ यहाँ पे आएगा वाटर। मल्टीप्लाई करते हो और नॉर्मली मल्टीप्लाई करो, मतलब 6022 इंटू यहाँ पे 2 लिखना, तो यार 2 2 4 2 2 4 2 0 0, 2 6 कितना आएगा 12, तो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है 12044 इंटू यहाँ पे क्या आएगा 10^2 क्या होगा 23। डेसिमल के बाद यहाँ पे 3 जगह है, तो यहाँ पे भी कितना आएगा, आंसर आएगा 12.044 मॉलिक्यूल्स ऑफ यहाँ पे क्या होगा, दैट इज वाटर। ये हो गया सबसे पहला। अब आते हैं नेक्स्ट वाला, फिर
नेक्स्ट में बोला हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 आर देयर इन 49 ग्राम्स. तो से पहला हमारा स्टेप यहाँ पे क्या रहेगा, नंबर ऑफ क्या निकालना, मॉलिक्यूल्स, जो यहाँ पे आएगा वेट इन क्या होगा ग्राम्स अपॉन यहाँ पे कौन सा वेट आएगा मॉलिक्यूलर वेट. ओके वेट इन ग्राम्स सीधा सीधा क्वेश्चन में दिया है, इट इज कितना है 49 क्या दिया गया ग्राम्स. मॉलिक्यूलर वेट किसका निकालना है, H2SO4 का. क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे तीन कॉन्स्टिट्यूएंट है, हाइड्रोजन सल्फर और कौन है ऑक्सीजन. हाइड्रोजन यहाँ पे टू एटम्स है किसका, ऑफ हाइड्रोजन प्लस वन एटम है ऑफ क्या दैट इज सल्फर एंड यहाँ पे फोर एटम है ऑफ किसका ऑक्सीजन का. हाइड्रोजन का वजन कितना रहेगा दैट इज वन डाल्टन. सल्फर का कितना एटम है दैट इज वन. ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना है दैट इज फोर. ओके टू वन जा कितना आएगा टू प्लस यहाँ पे कितना होगा 32 प्लस यहाँ पे कितना आएगा 64 डाल्टन. ऐड करके कितना हो रहा है 98 डाल्टन. तो इधर आ रहा है 98 क्या हो रहा है डाल्टन. अब 49 वन जा 49 टू जा इधर क्या आ रहा है दैट इज मोल्स. फिर इसको डिवाइड करने पे यहाँ पे आएगा 0.5 यहाँ पे कितना होगा दैट इज मोल्स. तो ये वाला पर्टिकुलर पार्ट हमारा हो गया. अब हमें निकालना है क्या इधर, सॉरी द फर्स्ट स्टेप नंबर ऑफ मोल्स रहेगा. नेक्स्ट हमें निकालना है नंबर ऑफ क्या रहेगा मॉलिक्यूल्स. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए पहले सीधे से क्वांटिटी लिख के रखो, क्या दिया 0.5 क्या दिया गया मोल्स. ओके मोल्स के बदले हमें सब्स्टिट्यूट क्या करना है दैट इज 6.022 इंटू 10^23. आगे क्या लिखेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ यहाँ पे क्या होगा H2SO4. ओके मल्टीप्लाई करते हो यहाँ पे आएगा 6022 इंटू 10^23. लेकिन ये 10^23 लिखने की जरूरत नहीं है, बस इंटू क्या करो 5. 5 2 10 वन, 5 2 10 प्लस 1 11, 5 0 0 प्लस 1, 5 6 कितना आएगा 30. ओके तो ये कितना आ गया दैट इज 30110 इंटू 10^2 क्या आएगा 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या होगा दैट इज H2SO4. ओके अब इधर कितना डेसिमल के बाद यहाँ पे एक डिजिट, यहाँ पे तीन डिजिट, तो टोटल कितना हो गया 4. तो 1 2 3 4 तो आंसर कितना रहा दैट इज 3.0110 इंटू 10^23 क्या होगा मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4. फिर नेक्स्ट वाले में कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 66 ग्राम्स दिए. तो यहाँ पे वापस पहला हमारा काम क्या रहेगा, नंबर ऑफ क्या निकाल के रखना मोल्स, जो क्या रहेगा वेट इन क्या होगा ग्राम्स अपॉन नीचे क्या होगा दैट इज मॉलिक्यूलर क्या आएगा वेट, किसमें रहेगा डाल्टन में. वेट इन ग्राम्स ये कितना आएगा 66. कार्बन डाइऑक्साइड तो मॉलिक्यूलर वेट किसका CO2 का, दो ही कॉन्स्टिट्यूएंट है कार्बन और क्या है ऑक्सीजन. तो यहाँ पे आएगा वन एटम ऑफ क्या होगा दैट इज कार्बन प्लस इधर होगा टू एटम्स ऑफ क्या होगा ऑक्सीजन. एक एटम ऑफ कार्बन का वजन होगा 12 डाल्टन, टू एटम ऑफ वजन कितना आएगा दैट इज 16 डाल्टन. ये यहाँ पे कितना आएगा 12 डाल्टन प्लस यहाँ पे कितना आएगा 32 डाल्टन. एड करके कितना आएगा दैट इज 44 क्या होगा डाल्टन. ओके इनको 11 के टेबल में कितना करने पे ये होगा 6, ये होगा 4. फिर 2 के टेबल में कितना होगा 3/2 यहाँ पे क्या होगा मोल्स और 3 को 2 से डिवाइड करने पे आंसर कितना आएगा 1.5 क्या होगा मोल्स. अब आते स्टेप नंबर 2 पे, दैट इज यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ क्या होगा मॉलिक्यूल्स. हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो इसको निकालने का तरीका क्या है, जस्ट पहले क्वांटिटी को पहले लिख के रखना. ओके अब 1.5 के इंडिकेट करेगा दैट इज 6.022 इंटू 23 क्या रहेगा दैट इज मॉलिक्यूल्स ऑफ यहाँ पे क्या होगा CO2. मल्टीप्लाई करते हो नॉर्मली मल्टीप्लाई करो इंटू यहाँ पे 15. तो ये होगा 5 2 10
11, 1, और ये होगा 30. इधर आएगा 2, 2, 0, और क्या होगा 6. तो 0, 3, 3, 0, 9. तो इसका आंसर आ रहा है, दैट इज 90330 इंटू 10 raised to 23. आगे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या होगा, CO2. डेसिमल क्या यहाँ पे कितना है, टोटल 1 और 3, टोटल कितना हो गया 4. तो आंसर यहाँ पे आएगा 9.0330 इंटू 10 raised to 23, क्या रहेगा, मॉलिक्यूल्स रहेगा, किसका, CO2 का. आई होप यहां तक क्लियर है. अब जाते हैं इसके आगे. ओके, अब आते, दैट इज बेस्ड ऑन क्या बोला गया, रेडिकल्स. ओके, तो रेडिकल्स में सबसे मेन जो है, दैट इज यहाँ पे आते +1 पे, ये सब कौन से टाइप के रेडिकल्स है, दैट इज कैट आयनिक रेडिकल्स. जो +1 है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोवैलेंट. मोनोवैलेंट क्यों इसका नाम पड़ा है, क्योंकि ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट. इसमें कौन कौन आता है, एक आता है एच प्लस, फिर इसके बाद आता है एनए प्लस, के प्लस, फिर आएगा एजी प्लस, और यहाँ पे आएगा NH4+. इनका आपको नाम याद रखना है, क्योंकि ये सिंबल्स आपको नाम के साथ ही देंगे लोग. तो H से यहाँ पे क्या होगा, दैट इज हाइड्रोजन. Na से आएगा, दैट इज क्या है, सोडियम. K प्लस से यहाँ पे क्या होगा, पोटेशियम. Ag प्लस से यहाँ पे क्या होगा, सिल्वर. NH4+ इसको क्या बोलते हैं, दैट इज अमोनिया. इसका नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी सब तो फिर भी आपको याद हो जाएगा. फिर इसके बाद है, दैट इज +2. +2 में यहाँ पे कौन आएगा, Mg2+. इसका मतलब कि ये सब बाइवैलेंट है. बाइवैलेंट मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, डोनेट करेगा. यहाँ पे आएगा Ca2+, और क्या आएगा, Zn2+. ओके, नाम से इजी है पहचाने, ये क्या होगा, दैट इज मैग्नीशियम. नेक्स्ट क्या आएगा, दैट इज कैल्शियम, और यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज जिंक. फिर इसके बाद आती है, दैट इज +3 पे. +3 में सिर्फ और सिर्फ आपको कौन सा याद रखना है, Al3+, दैट इज क्या, एल्यूमिनियम. अब मेटल्स में देर आर सर्टेन एलिमेंट जिसके पास दो वैलेंसीज रहते हैं. तो एक दैट इज कौन है, Fe2+, नेक्स्ट है Fe3+, दूसरा है Cu+, और यहाँ पे Cu2+. ओके, अब Fe2+ को याद रखना, जो भी क्या रहेगा, लोअर नंबर रहेगा, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, दैट इज लास्ट में आएगा एक. जो भी हायर नंबर रहेगा, सॉरी, लोअर नंबर को हम लोग नाम क्या देंगे, अस, और जो भी हायर नंबर रहेगा उसको नाम क्या देंगे, एक. तो इसका नाम क्या पड़ेगा, लोअर नंबर रहने की वजह से इसको हम लोग बोलेंगे फेर अस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेर रिक. क्यू हायर नंबर है, लोअर नंबर रहेगा तो इसका नाम क्या आएगा, क्यू प्रस. हायर नंबर रहेगा तो इसका नाम क्या पड़ेगा, दैट इज क्यू प्रिक. आई होप ये पार्ट आपको ढंग से क्लियर है. लोअर नंबर रहेगा तो क्यू प्रस, हायर नंबर रहेगा तो क्यू प्रिक. आई होप यहां तक आपको प्रॉपरली क्लियर है. फिर आते एनायनिक रेडिकल्स. ओके, एनायनिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे आते हैं, इसको याद करने को थोड़ा सा टाइम लगता है. सबसे पहले क्या, दैट इज -1. तो -1 में कौन कौन आता है, एक इंपॉर्टेंट है Cl-, F-, Br-, I-, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज OH-. अभी जब भी सिंगल एलिमेंट रहेगा तो आप क्या ऐड करते हो, IDE ऐड करते. तो यहाँ पे आएगा क्लोराइड, इधर आएगा फ्लोराइड, ब्रोमाइड. आई से आएगा, दैट इज क्या, आयोडाइड. OH-, इसको क्या बोलते, दैट इज हाइड्रोऑक्साइड. तो इसको अच्छे से याद रखना और इसको अच्छे से याद रखना, बाकी सब फिर भी ठीक है, लेकिन ये दो बहुत सारे एलिमेंट्स में आते हैं, तो इसके लिए इसको याद रखना. फिर आते, दैट इज -2. -2 में क्या है, O2-, S2-, फिर दूसरा है SO42-, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर एक है CO32-. यहाँ पे और दो भी है, वो भी जस्ट लिख के रखना.
HCO3 माइनस, और दूसरा है दैट इज CH3COO माइनस. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज बाय कार्बन 8. हाइड्रोजन एलिमेंट एंड ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन को यहाँ पे बाय और लास्ट में क्या ऐड करते हैं 8. यहाँ पे ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसको जैसे याद रखना क्या रहेगा, एसीटेट. ये आपको ये चैप्टर में नहीं आएगा, लेकिन आगे के चैप्टर्स में 2-3 बार रिपीट होगा. नेक्स्ट है यहाँ पे ऑक्सीजन अकेला है, तो इसका नाम यहाँ पे क्या पड़ेगा, ऑक्साइड. सल्फर अकेला है, इसका नाम क्या आएगा, दैट इज सल्फाइड. सल्फर और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है, इसका नाम यहाँ पे क्या होगा, सल्फेट. कार्बन एंड ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है, इसका नाम यहाँ पे पड़ेगा कार्बोनेट. लास्ट आते -3 में, -3 में यहाँ पे क्या आएगा, PO4-3-, और एक आता है N3-. एलिमेंट एंड ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है, तो इसका नाम आएगा फॉस्फेट. अकेला एलिमेंट है, तो इसका नाम क्या होगा, दैट इज नाइट्राइड. इनके ऊपर नेगेटिव चार्जेस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खुद क्या करता है, एक्सेप्ट करता है. तो इनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, एक HCO3-, O2-, S2-, SO4, इधर आएगा CO3, ये दो. ओके, बहुत जन को मेन कंफ्यूजन किसमें होता है, नाइट्रेट और किसमें, नाइट्रेट. तो नाइट्रेट भी इसमें आता है, NO3-, ये भी एक इंपॉर्टेंट है. तो बहुत जिनको क्या होता है, कंफ्यूजन होता है नाइट्रेट एंड किसमें, नाइट्राइट में. तो मैंने अभी आपको समझाया, जब एलिमेंट अकेला रहता है तो लास्ट में जुड़ता है IDE. जब एलिमेंट और क्या रहता है, ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन रहता है, तब उसको जुड़ता है ATE. तो इस केस में आप देख सकते हो नाइट्रेट क्या रहेगा, NO3 रहेगा, क्योंकि उधर ATE आ रहा है, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है. दूसरा नाइट्राइड, नाइट्राइड में सिर्फ और सिर्फ क्या रहा है, IDE, मतलब क्या रहेगा, N. वैसे सल्फाइड और किसमें आता है, सल्फेट में कंफ्यूजन होता है. सल्फाइड रहेगा तो सल्फर अकेला है तो क्या आएगा, S. सल्फेट, सल्फेट बोला है, मतलब सल्फर और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है, तो क्या आएगा, SO4-2-. तो ये सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना. ओके, अब जाते हैं, दैट इज कैसे हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाते हैं, उस पे जाते हैं. ओके, सबसे फर्स्ट जो है इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे. यहाँ पे बोला गया दैट इज क्या है, कैल्शियम और क्या है, कार्बोनेट. सबसे पहला स्टेप वन क्या करना, दैट इज सिंबल्स लिखना. कैल्शियम का सिंबल रहेगा CA, कार्बोनेट का सिंबल रहेगा CO3. स्टेप टू, कैल्शियम क्या रहेगा, दैट इज 2+, कार्बोनेट जो रहेगा वो क्या रहेगा, 2-. या ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना, 2 लिखना. ये दोनों एक ही टेबल में आते तो क्या हो सकता है, कैंसिल आउट हो सकता है. करना क्या, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. तो आते स्टेप नंबर 3 पे, कैल्शियम इंटू 1 क्या होगा, कैल्शियम. जस्ट ये ध्यान रखना, यहाँ पे पहले से कैंसिल करना है. स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, उनका वैलेंसीज को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. स्टेप नंबर 4 पे कैल्शियम का इधर नंबर कितना आएगा, 1, कार्बोनेट का नंबर कितना होगा, 1. नेक्स्ट जो है दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट. ओके, स्टेप नंबर 1 में सोडियम कितना है, 1, बाइकार्बोनेट इज HCO3. स्टेप नंबर 2 में सोडियम का वैलेंसी 1, बाइकार्बोनेट का वैलेंसी भी कितना है, 1. स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. और स्टेप नंबर 4 में इधर आएगा NaHCO3. नेक्स्ट है दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट, अब क्या आएगा, सिल्वर क्लोराइड. ओके, सिल्वर क्लोराइड. स्टेप नंबर 1 में सिल्वर का सिंबल Ag, क्लोराइड का सिंबल Cl. स्टेप नंबर 2 में Ag के नीचे उसका वैलेंसी, क्लोरीन के नीचे उसका क्या करेंगे, वैलेंसी लिखेंगे. स्टेप नंबर 3 में इनको क्या करना है, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. स्टेप नंबर 4 यहाँ पे होगा AgCl. उसके बाद सिल्वर क्लोराइड के बाद यहाँ पे आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. स्टेप नंबर 1 इसका सिंबल लिखना, कैल्शियम का सिंबल CA, हाइड्रोक्साइड का सिंबल OH. स्टेप नंबर 2 इनका क्या करना है, वैलेंसीज को उसके नीचे लिखना है.
स्टेप नंबर थ्री क्या करना है, ये वैलेंसीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करना। स्टेप नंबर फोर, कैल्शियम का नंबर कितना आएगा, वन। ओ एच का जो नंबर है वो कितना होगा, दैट इज टू। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोला। ओके, स्टेप नंबर वन, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्साइड का सिंबल O। मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, ऑक्साइड का सिंबल 2। कॉमन टेबल में आते तो क्या होएगा, कैंसिल। स्टेप नंबर 3, क्या करना है दोनों को, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। स्टेप नंबर 4, इधर आएगा मैग्नीशियम एंड क्या होगा, दैट इज ऑक्सीजन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है अमोनियम, इधर क्या होगा, दैट इज फॉस्फेट। स्टेप नंबर 1, अमोनियम का सिंबल NH4, फॉस्फेट का सिंबल PO4। स्टेप नंबर 2, अमोनियम का वैलेंसी 1, फॉस्फेट का वैलेंसी 3। स्टेप नंबर 3, इन दोनों को यहां पे क्या करेंगे, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। स्टेप नंबर 4, NH4 जो है जब भी ग्रुप में रहेगा तो उसको ब्रैकेट में डालने का हैबिट करना, तो यहां पे आएगा PO4। अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट बोला गया दैट इज क्यूपरस ब्रोमाइड। क्यूपरस, स्टेप नंबर 1 कॉपर, ब्रोमाइड मतलब Br। स्टेप नंबर 2, क्यूपरस बोला मतलब लोअर वैलेंसी आएगा, मतलब कितना होगा, 1। अस से इधर OUS, इधर Br कितना होगा, 1। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, क्या करना है दोनों को, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे स्टेप नंबर 4 ये बन जाएगा यहां पे CuBr। ओके, अब नेक्स्ट आते दैट इज कॉपर, क्या बोला गया, सल्फेट। ओके, स्टेप नंबर 1, कॉपर मतलब Cu, सल्फेट मतलब SO4। स्टेप नंबर 2, कॉपर का वैलेंसी कितना होएगा, 2। जब नॉर्मल नाम दिया गया तब क्या करना, हाईएस्ट वैलेंसी को क्या करना, सेलेक्ट करना, ये याद रखो। जाएगा SO4, इसका वैलेंसी कितना होगा, 2। कैंसिल आउट होके कितना होगा, 1। कैंसिल आउट होके कितना होगा, 1। स्टेप नंबर 3, यहाँ पे क्या होगा, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई करना। स्टेप नंबर 4, तो यहाँ पे आएगा CuSO, क्या आएगा, 4। नेक्स्ट यहाँ पे पोटेशियम, क्या बोला गया, दैट इज नाइट्रेट। स्टेप नंबर 1, पोटेशियम के बदले क्या आएगा, K। नाइट्रेट के बदले क्या आएगा, NO3। स्टेप नंबर 2, पोटेशियम का वैलेंसी 1, नाइट्रेट का वैलेंसी कितना होगा, 1। स्टेप नंबर 3, करना क्या है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। स्टेप नंबर 4, यहाँ पे आएगा के, इधर आएगा NO3। नेक्स्ट है यहाँ पे सोडियम, और इधर क्या, दैट इज डाइक्रोमेट। ओके, अब आते स्टेप नंबर 1 पे, सोडियम का इट इज Na, डाइक्रोमेट इज CrO4। ओके, Cr2 यहाँ पे O7 आएगा, सॉरी Cr2O7। स्टेप नंबर 2, सोडियम जो है इसका वैलेंसी कितना है, 1। डाइक्रोमेट इसका वैलेंसी कितना रहेगा, 2। स्टेप नंबर 3, इन दोनों को क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। स्टेप नंबर 4, यहाँ पे Na मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 से। Cr2O7 मल्टीप्लाई होगा किससे, 1 से। आई होप यहां तक ये फॉर्मूलास कैसे करना है इसका आपको एक आइडिया मिल गया रहेगा। ओके, अब इधर सेम, इधर हम लोग क्या करने बोला है, केमिकल फॉर्मूला डिड्यूस करने बोला है। सबसे फर्स्ट इज हमें दिया है सोडियम, क्या बोला गया, दैट इज सल्फेट। स्टेप नंबर 1, सोडियम आएगा Na, सल्फेट आएगा SO4। स्टेप नंबर 2, सोडियम का वैलेंसी 1, सल्फेट का वैलेंसी क्या है, 2। क्या होगा, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई। स्टेप नंबर 3, इधर आएगा Na2, यहाँ पे होगा SO4। ठीक है,
फिर आते नेक्स्ट, एक स्टेप मैंने एक्स्ट्रा नहीं किया तो जस्ट नेक्स्ट इसमें करता हूं। यहां पे स्टेप नंबर वन पोटेशियम में के, नाइट्रेट इज एनओ थ्री। स्टेप नंबर टू इनका वैलेंसी लिखना है, नाइट्रेट का वैलेंसी कितना होगा वन। स्टेप नंबर थ्री यहां पे दोनों क्या होगा दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। स्टेप नंबर फोर के वन होगा, एनओ थ्री भी कितना है वन। नेक्स्ट है फेरिक फॉस्फेट। स्टेप नंबर वन फेरिक मतलब क्या आएगा Fe, फॉस्फेट मतलब PO4। स्टेप नंबर टू फेरिक मतलब इसका वैलेंसी कितना आएगा थ्री, फॉस्फेट मतलब इसका वैलेंसी कितना आएगा थ्री, थ्री वनजा थ्री वनजा। स्टेप नंबर थ्री Fe के नीचे वन, PO4 के नीचे वन, करना क्या दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई। स्टेप नंबर फोर ये आएगा FePO4। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड। स्टेप नंबर वन कैल्शियम इज CA, ऑक्साइड इज O। स्टेप नंबर टू कैल्शियम का वैलेंसी इज टू, ऑक्साइड का वैलेंसी इज टू। स्टेप नंबर थ्री कैल्शियम इज वन, ऑक्साइड इज क्या है वन, दोनों को क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। स्टेप नंबर फोर कैल्शियम इज वन, ऑक्साइड इज वन। आई होप यहां तक आपको क्लियर है, सिर्फ लास्ट वाला पार्ट बचा। लास्ट में बोला गया एल्यूमिनियम, यहां पे क्या है हाइड्रो ऑक्साइड। तो स्टेप नंबर वन एल्यूमिनियम एयर, हाइड्रो ऑक्साइड इज OH। एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना है थ्री, हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी कितना है वन। ओके अब नेक्स्ट स्टेप करना क्या दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। स्टेप नंबर फोर एल्यूमिनियम वन से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन जो पूरा हाइड्रोक्साइड है वो मल्टीप्लाई किससे होगा थ्री से। ओके अब इधर हम लोग को इनका नाम लिखने बोला है एंड साथ ही साथ इसका क्या निकालने बोला है दैट इज मॉलिकुलर मास। ओके अब कैसे करेंगे, सबसे पहले इधर क्या है सिर्फ और सिर्फ Na है, Na मतलब इसका नाम क्या होगा सोडियम। नेक्स्ट इज SO4, SO4 का नाम क्या आएगा दैट इज सल्फेट। अब इसका मॉलिकुलर वेट निकालना है तो क्लियरली दिख रहा है कितना एटम्स ऑफ सोडियम है, टू एटम्स है ऑफ क्या दैट इज सोडियम। सल्फर का यहाँ पे दिख रहा है तीन इधर कॉन्स्टिट्यूएंट, सोडियम सल्फर और ऑक्सीजन। कितना सल्फर है एक एटम ऑफ क्या दैट इज सल्फर। ऑक्सीजन के कितने एटम्स है फोर एटम्स ऑफ क्या दैट इज ऑक्सीजन। एक सोडियम का वजन इज 23, एक सल्फर का वजन इज 32, एक ऑक्सीजन का वजन इज 16। तो 2 इंटू 23 कितना आएगा 46, प्लस यहाँ पे कितना होगा 32, प्लस यहाँ पे कितना होगा 64। तो इन दोनों को यहाँ पे ऐड करने पे ये हो रहा है 78, प्लस यहाँ पे कितना हो रहा है 64, ऐड करने पे ये यहाँ पे बन जाएगा दैट इज 142 क्या होगा कैल्टन। नेक्स्ट है K2CO3। ओके के मतलब इसका जो नाम पड़ेगा ये आएगा पोटेशियम, CO3 मतलब यहाँ पे क्या होगा दैट इज कार्बोनेट। ओके कितना पोटेशियम क्लियर दिख रहा है, पोटेशियम कार्बन एंड ऑक्सीजन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। तो यहाँ पे टू एटम्स ऑफ कौन है यहाँ पे पोटेशियम, वन एटम ऑफ क्या यहाँ पे कार्बन, तीन एटम है किसका ऑफ ऑक्सीजन का। एक जो पोटेशियम है इसका जो वजन आएगा कितना आएगा 39 डाल्टन, एक जो कार्बन है इसका वजन कितना आएगा 12 डाल्टन, तीन जो ऑक्सीजन इसका वजन कितना आएगा 16 डाल्टन। योगा 78 डाल्टन प्लस 12 डाल्टन प्लस 48 डाल्टन, ये होगा 90 डाल्टन प्लस 48 डाल्टन, ऐड करके कितना हो रहा है 138 क्या हो रहा है डाल्टन। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दैट इज CO2, CO2 को हम लोग सीधा बोलते क्या कार्बन डाइऑक्साइड। ओके कॉन्स्टिट्यूएंट यहाँ पे क्या है वन एटम ऑफ क्या दैट इज कार्बन, टू एटम
ऑफ क्या दैट इज ऑक्सीजन. एक कार्बन एटम का वजन कितना आएगा 12, दो ऑक्सीजन एटम के वजन कितने आएंगे 16. कितना होगा यहाँ पे होगा 12 डाल्टन प्लस यहाँ पे होगा 32 डाल्टन, ऐड करके कितना हो रहा है 44 क्या हो रहा है डाल्टन. ओके नेक्स्ट इज यहाँ पे MgCl2. Mg मतलब यहाँ पे क्या रहेगा मैग्नीशियम, Cl मतलब यहाँ पे क्या रहेगा क्लोराइड. ओके क्लियर दिख रहा है, दो कॉन्स्टिट्यूएंट है मैग्नीशियम और क्लोरीन. तो यहाँ पे आएगा वन एटम ऑफ क्या आएगा Mg, टू एटम्स ऑफ क्या होगा दैट इज Cl. इधर मैग्नीशियम का कितना एटम्स रहेगा एक ही है तो मल्टीप्लाई बाय 24 होगा एक से, क्लोरीन कितना दैट इज 35 पॉइंट यहाँ पे है 5, इधर होगा 24 डाल्टन. 35.5 को ऐसे लिखेंगे 355 इंटू 2 लिखना, ये हो जाएगा 710. डेसिमल के एक जगह तो यहाँ पे आएगा 71.0, ऐड करके कितना आएगा दैट इज 95 क्या होगा डाल्टन. नेक्स्ट यहाँ पे NaOH, ओके इसका नाम Na, Na मतलब यहाँ पे क्या होगा सोडियम. नेक्स्ट है OH, OH मतलब यहाँ पे होगा हाइड्रोऑक्साइड. ओके कितने एटम है सोडियम का तो यहाँ पे आएगा वन एटम ऑफ क्या होगा सोडियम, वैसे दूसरा यहाँ पे आएगा वन एटम ऑफ क्या ऑक्सीजन, इधर वन एटम ऑफ क्या दैट इज हाइड्रोजन. एक सोडियम का वजन यहाँ पे 23 डाल्टन, एक ऑक्सीजन का वजन यहाँ पे 16 डाल्टन, एक हाइड्रोजन का यहाँ पे वजन 1 डाल्टन, तो ये होगा 23 डाल्टन प्लस यहाँ पे होगा 16 डाल्टन प्लस यहाँ पे होगा 1 डाल्टन, तो 39 डाल्टन प्लस इधर होगा 1 डाल्टन, ऐड होके ये कितना आ रहा है दैट इज 40 डाल्टन आ रहा है. नेक्स्ट है AlPO4. Al मतलब इसका नाम क्या रहेगा दैट इज एल्यूमिनियम. PO4 मतलब यहाँ पे क्या होगा दैट इज फॉस्फेट. ओके कितना एल्यूमिनियम यहाँ पे एक एटम है किसका एल्यूमिनियम का, एक एटम है किसका दैट इज फॉस्फरस का, चार एटम है किसका दैट इज ऑक्सीजन का. एक एटम ऑफ एल्यूमिनियम का वजन कितना आएगा 27 डाल्टन, एक एटम ऑफ फॉस्फरस का वजन ये कितना आएगा 39 डाल्टन, सॉरी 39 नहीं मेरा गलती हो 31 रहेगा क्योंकि फॉस्फरस इज 15, 15 इंटू क्या करना है 2 प्लस क्या करना है 1, तो 31 आएगा. नेक्स्ट है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना आएगा 16 डाल्टन, तो जाएगा 27 डाल्टन प्लस यहाँ पे होगा 31 डाल्टन प्लस इधर होगा 64 डाल्टन. ओके ऐड करने पे ये होगा 58 डाल्टन प्लस इधर होगा 64 डाल्टन, तो इन दोनों को यहाँ पे ऐड करने पे ये होगा 122 क्या होने वाला है डाल्टन. फिर आते नेक्स्ट पे, नेक्स्ट यहाँ पे NaHCO3 है. Na मतलब क्या रहेगा दैट इज सोडियम, HCO3 इसको हम लोग क्या बोलते बाई कार्बोनेट. ओके क्लियरली दिख रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट यहाँ पे क्या है, वन एटम ऑफ क्या दैट इज सोडियम, वन एटम ऑफ क्या दैट इज हाइड्रोजन, वन एटम ऑफ क्या दैट इज कार्बन एंड यहाँ पे थ्री एटम्स ऑफ क्या दैट इज ऑक्सीजन. ओके अब आते नेक्स्ट पे, एक सोडियम का वजन कितना है 23 यहाँ पे क्या होगा डाल्टन, एक हाइड्रोजन का वजन 1 डाल्टन, एक कार्बन का वजन 12 डाल्टन, तीन ऑक्सीजन का वजन यहाँ पे आएगा 16 डाल्टन, तो ये यहाँ पे बनेगा 23 डाल्टन, 1 डाल्टन, 12 डाल्टन, 48 क्या होगा डाल्टन, ये होगा 24 प्लस इधर कितना आएगा 60, फिर इन दोनों को ऐड करके आंसर कितना आता है 84 क्या होगा डाल्टन. ओके अब आते दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना. सबसे पहले क्या बोला गया दैट इज 32 ग्राम ऑफ क्या ऑक्सीजन. ठीक है पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को मालूम है मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो पहले निकाल के रखते. अब जो ऑक्सीजन है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या रहेगा O2, ये आपको ध्यान में रखना है. गैस रहेगा तो क्या रहता है डायटोमिक स्टेट में रहता है,
तो मॉलिक्यूलर वेट कितना रहेगा यहाँ पे, टू एटम्स ऑफ क्या होगा, दैट इज ऑक्सीजन, टू इंटू यहाँ पे कितना होगा 16, विच इज 32 क्या होगा डाल्टन। स्टेप नंबर टू है नंबर ऑफ मोल्स, विच इज यहाँ पे क्या आएगा मास इन क्या होगा दैट इज ग्राम्स अपॉन यहाँ पे कौन सा वेट आएगा मॉलिक्यूलर वेट। तो इन ग्राम्स कितना दिया गया दैट इज 32 ग्राम्स, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 32, डिवाइड करने पे कितना आ रहा है 1 मोल। नेक्स्ट है दैट इज नंबर ऑफ क्या है मॉलिक्यूल्स, कितना मोल है 1 मोल है, विच इज इक्वल टू यहाँ पे 1 × 6.022 × 10³ क्या होने वाला है मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या आएगा O2। ओके फिर आते इसके बाद सेकेंड जो है क्या दिया गया 90 ग्राम ऑफ क्या दिया गया वाटर। ओके सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे मॉलिकुलर वेट निकालेंगे किसका वाटर का। क्लियर लिख रहा है यहाँ पे टू एटम ऑफ क्या हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ क्या दैट इज ऑक्सीजन। तो इधर ये बन जाएगा हाइड्रोजन का वजन कितना है 1 डाल्टन, ऑक्सीजन का वजन कितना है 16 डाल्टन, ये बन जाएगा 2 प्लस इधर आएगा 16, विच इज कितना बन रहा है 18 डाल्टन। नेक्स्ट इज दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए इधर आएगा मास इन क्या होगा ग्राम्स अपॉन इधर आएगा मॉलिकुलर वेट। तो मास इन ग्राम्स कितना है 90, मॉलिकुलर वेट कितना है 18, तो ये आप कितना होगा 5 क्या होगा मोल्स। फिर आगे हमें निकालने बोला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पहले हम लोग क्या करेंगे क्वांटिटी को लिखेंगे फिर इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 6.022 × 10³ से। तो इधर 6022 × 5 लिखेंगे विच इज 5 × 2 = 10, ये कितना आएगा 11 11, और यहाँ पे कितना आएगा दैट इज 30। तो इसका आंसर आ रहा है दैट इज 30110 × 10³ क्या हो रहा है 23। डेसिमल के बाद कितना प्लेस आ रहा है 3, तो यहाँ पे भी। उसके आते थर्ड सम पे, थर्ड में दिया गया 8.8 ग्राम ऑफ क्या बोला है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके अब इसका पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। ओके कार्बन डाइऑक्साइड जो रहेगा इसका फॉर्मूला क्या आएगा CO2, एक एटम है किसका ऑफ कार्बन, 2 एटम है किसका ऑफ क्या है ऑक्सीजन। एक एटम ऑफ कार्बन का वजन 12 डाल्टन, एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का वजन 16 डाल्टन, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 32, ऐड होने पे ये हो जाएगा 44 डाल्टन। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, तो ये आएगा दैट इज मास इन क्या होगा ग्राम्स अपॉन नीचे क्या होगा मॉलिक्यूलर वेट। मास इन ग्राम्स हमें क्वेश्चन में दिया है 8.8 अपॉन यहाँ पे होगा 40। अब 8.8 का डेसिमल हटाने के लिए नीचे कितना होगा 10, यहाँ पे होगा 44, साइड में हम लोग लिखेंगे मोल्स 44 2 जा, तो 2/10 यहाँ पे होगा 0.2 क्या होगा मोल्स। लास्ट में हमें निकालना है नंबर ऑफ क्या निकालना है मॉलिक्यूल्स, विच इज यहाँ पे होगा 0.2 क्या होगा मोल्स, विच इज इधर होगा 0.2 × 6.022 यहाँ पे क्या होगा 10³। अब आप मल्टीप्लाई करते कैसे करोगे दैट इज 6022 × क्या मल्टीप्लाई करो 2, तो ये कितना आएगा 12044 × यहाँ पे क्या होगा 10³ एटम्स और क्या आएगा मॉलिक्यूल्स किसका आएगा ऑफ आएगा CO2। इधर डेसिमल क्या 1, यहाँ पे डेसिमल क्या 3, तो टोटल कितना आएगा 4 आएगा। तो आंसर इसका कितना आएगा 1.2044 × 10² क्या होगा 23 आएगा। फिर आते नेक्स्ट लास्ट वाले पार्ट पे, तो 7.1 ग्राम ऑफ क्या बोला गया क्लोरीन। तो सबसे पहले चीज हम लोग क्या निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन ध्यान देना जो क्लोरीन एक गैस है ये डायटोमिक रहेगा Cl2, तो यहाँ पे आएगा 2 एटम्स ऑफ क्या होगा दैट इज क्लोरीन। तो यहाँ पे आएगा 2 × 35 क्या होगा 5,
तो इधर 355 इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से, तो ये बनेगा 710। डेसिमल क्या एक प्लेस है, तो यहां पे भी क्या होगा, एक आएगा। फिर मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर वेट के बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे निकालेंगे नंबर ऑफ क्या निकालेंगे, मोल्स, विच इज यहाँ पे आएगा मास इन क्या होगा ग्राम्स अपॉन यहाँ पे क्या होगा मॉलिकुलर वेट। ओके, मास इन ग्राम्स क्वेश्चन में दिया सीधा सीधा, 7 पॉइंट क्या होगा 1 ग्राम्स, मॉलिकुलर वेट यहाँ पे कितना है 71 क्या है डाल्टन। ओके, इसका डेसिमल हटाने के लिए नीचे कितना आएगा, यहाँ पे 10, इधर आएगा 71 और इधर कितना आएगा दैट इज मोल्स। 71 और 71 कैंसिल आउट होकर कितना होगा 1, यहाँ पे होगा 1/10 क्या होगा मोल्स, विच इज ये हो जाएगा 0.1 यहाँ पे क्या होगा मोल्स। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट ये होने के बाद हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ क्या निकालना है दैट इज मॉलिक्यूल्स, विच इज यहाँ पे होगा 0.1 क्या दिया है मोल्स, विच इज 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 6.022 × 10⁰³। आप मल्टीप्लाई करते कैसे करेंगे, 6.022 इंटू क्या करोगे सीधा सीधा 1, इसका आंसर कितना आएगा 6022 आएगा। डेसिमल के बाद यहाँ पे कितना है दैट इज 3 और यहाँ पे 1, टोटल कितना हो गया 4, तो 1, 2, 3, 4, तो इधर आएगा 0.6022 × 10⁰³ मॉलिक्यूल्स रहेगा। इसका मॉलिक्यूल्स रहने वाला ऑफ इधर आएगा Cl2। आई होप ये पार्ट आपको ढंग से क्लियर है। तो यहाँ तक इससे रिलेटेड जो भी सम्स है वो हम लोग क्या करते हैं, कवर अप कर लिया है, और कुछ एक्स्ट्रा कुछ रहेगा तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।